हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। विवेक विहार थाना क्षेत्र में एक महिला के यहां हुई लूट के मामले में सहादरा की ऑपरेशन यूनिट की टीम ने एक लुटेरे को इटावा से गिरफ्तार किया। सहादरा जिला के DCP रोहित मीना ने रविवार की सुबह 11:54 पर मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि 9 मई 2023 को विवेक विहार थाने को एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला शिकायतकर्ता मीनू गुप्ता पत्नी स्वर्गीय नाथुराम जो रहने वाली ज्वाला नगर सहादरा की, जिनकी उम्र 54 है, इनके यहाँ पर लूट हुई थी। पुलिस टीम पहुंची जहाँ महिला ने बताया कि वह खाना बना रही थी, तभी रात 9 तीन लड़के उनके घर में आए और अलमारी से कुछ नकदी और जेवरात लूट लिए। जब विरोध किया तो गला दबा दिया और वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद 10 मई की सुबह विवेक विहार थाने ने मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 181/23 धारा 394/34 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए ये जिम्मा सहादरा की ऑपरेशन यूनिट को सौंपा गया था और एक टीम बनाई गई थी। इस टीम में SI विनीत पुनिया, ASI ब्रह्मपाल, ASI संदीप, ASI ललित, ASI दीपक, हेड कांस्टेबल मनोज त्यागी, हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल रोहित, कांस्टेबल सोनू इस टीम में शामिल थे, जो कि ऑपरेशन सेल के ACP महेंद्र सिंह के निर्देश पर इंस्पेक्टर दिनेश आर्या के नेतृत्व में ये टीम बनी थी। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के लगे 50 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज चेक की और उसमें आरोपियों को देखा, जिनकी फोटो पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप और मुखबिरों को भी दी गई। आखिरकार एक आरोपी को गिरफ्तार किया उत्तर प्रदेश के इटावा से, जिसने अपना अपराध कबूल किया, जिसके कब्जे से 50,000 रुपए नगद और लूटे गए जेवर भी बरामद हुए हैं। जांच में पता चला कि मास्टरमाइंड जो पीड़ित महिला है उसी का ही बेटा था, जिसने जेवरों का भी ठिकाना लगाया था। बहरहाल इसमें एक आरोपी को सहादरा की ऑपरेशन यूनिट की टीम ने गिरफ्तार किया है और इसमें एक आरोपी को क्राइम ब्रांच की ER1 की टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है मंडावली से, और साथ में एक जुबिनाइल को भी पकड़ चुकी है क्राइम ब्रांच की ER1 की टीम। इसमें अभी एक आरोपी फरार है, जिसे पकड़ने का प्रयास जारी है। बहरहाल सहादरा जिला की ऑपरेशन यूनिट की टीम ने इटावा से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, साथ ही क्राइम ब्रांच ER1 की टीम ने एक जुबिनाइल को पकड़ा है इस मामले में और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी अभी फरार है और इस लूट का मास्टरमाइंड पीड़ित महिला का बेटा ही निकला है। पकड़े गए आरोपी की पहचान टिंकू शर्मा पुत्र सतीश शर्मा रहने वाला JJ कैम्प सी ब्लॉक प्रीत बिहार का है। आरोपी 18 साल का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। आरोपी प्रीत बिहार थाने का BCB है। आरोपी से की जा रही है पूछताछ।